तो देखिए, दिस इज द मोनोकॉट सीड, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मोनोकॉट सीड में दो मेजर पोर्शंस हैं, एंडोस्पर्म जो फूड स्टोर करेगा, रेस्ट इज द एम्ब्रियो रीजन, दोनों को सेपरेट कर रही है एपिथेलियल लेयर। टेस्टा जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, टेस्टा प्लस पेरिकार्प दोनों का फ्यूजन है, क्योंकि ये उसका फ्रूट भी है और ये उसका सीड भी है। एल्यूरॉन लेयर जो है वो एंडोस्पर्म को कवर करेगी, प्रोटीनेशियस इन नेचर है। एम्ब्रियो रीजन जो है उसके अंदर एक तो तुम्हें शूट एपेक्स रूट एपेक्स मिलेगा, देन उसके अंदर तुम्हें बिग शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन मिलेगा जिसका नाम है स्क्यूटेलम। देन जो एम्ब्रियो है उसमें तुम्हें प्लूमूल रेडिकल मिलेगा, दैट इज रेडिकल इज कवर्ड बाय रूट कैप। प्लूमूल एंड रेडिकल के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होंगी जिनको हम नाम देते हैं कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा का, ठीक है। ये मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन उसके बाद हमारे पास आ गया, दैट इज द ये हमारे पास डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड में मैंने तुम्हें बताया, देखो स्क्रीन के ऊपर, ये एपिथेलियल लेयर के फंक्शंस हैं सिक्रीटरी एंड अब्सॉर्प्टिव, ठीक है। ये तुम्हारे पास मोनोकॉट का सीड है, ओके। देन डाइकॉट का सीड देखो ध्यान से, डाइकॉट के सीड के अंदर पहले दो कॉटिलेडन्स होंगे। बीन का सीड है, किडनी शेप्ड होएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक है। बाहर इसके मैंने तुम्हें बताया सीड कोट होएगा, दैट इज कॉल्ड टेस्टा। एम्ब्रियो एक्सिस और टाइगेलम हैज अ कॉटिलेडिनरी नोड होएगी, जहां से प्लूमूल और रेडिकल जो है वो निकलेंगे, ठीक है। प्लूमूल और रेडिकल निकलेंगे, देन देखो पार्ट ऑफ द जो होएगा एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट फ्रॉम कॉटिलेडिनरी नोड टू द प्लूमूल इज एपिकोटाइल। ये वाला पोर्शन कॉटिलेडिनरी नोड से लेके प्लूमूल तक का पोर्शन इज एपिकोटाइल, कॉटिलेडिनरी नोड से लेके रेडिकल तक का पोर्शन किसका, एम्ब्रियो एक्सिस का, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और ये कॉटिलेडिनरी नोड यहां से निकला प्लूमूल और यहां से निकला रेडिकल, ओके डन। तो ये हमारे पास क्या है, डाइकॉट का सीड है। दिस इज द डाइकॉट सीड, देखो तुम्हें ध्यान से दिख रहा है, हाइलम माइक्रोपाइल सीड कोट, ठीक है। काट दोगे तो उसका सेक्शन देखोगे तो सेक्शन में एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रेडिकल सीड कोट कॉटिलेडिन सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखो फिर प्लांट बन जाएगा, ऐसे ग्रो करना शुरू कर। तो उसके बाद बात करते हैं हम सीड बायबिलिटी की। सीड बायबिलिटी का मतलब क्या है कि सीड बनने के बाद, जैसे सीड हमारे हाथ में आ गया, ठीक है, बन गया सीड, सीड बनने के बाद वो सीड कितनी देर तक जर्मिनेट कर सकता है, उसके अंदर जर्मिनेट करने की कैपेसिटी कितनी देर तक की है, ठीक है। मतलब जैसे कई सीड्स हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर उनको जो है जर्मिनेट करवा दो तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, अगर 5 दिन के बाद करोगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उनकी बायबिलिटी सिर्फ 5 दिन की, ठीक है। तो जिन सीड्स की बायबिलिटी कम होती है उन सीड्स को हम सीड बैंक में स्टोर करते लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम देते, ठीक है। तो देखते हैं, सीड बायबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी सीड्स आर अलाइव, ठीक है। सीड्स जो है एक लॉट के अंदर कितने सीड्स ऐसे हैं जो अलाइव है, जिंदा है, ठीक है, अब जर्मिनेट कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं सीड बायबिलिटी का। एंड कुड डिवेल्प इन टू प्लांट्स दैट विल रिप्रोड्यूस अंडर अप्रोप्रिएट फील्ड कंडीशंस, और वो दोबारा जर्मिनेट करके अपने जैसे प्लांट्स बनाएंगे, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं सीड बायबिलिटी का, ठीक है। तो सीड्स को हमें सीड बैंक के अंदर स्टोर करना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सीड स्टोर्ड इन सीड बैंक आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स व्हेन सोन इन द फील्ड। तो जो हम सीड बैंक में भी स्टोर करते हैं सीड्स, ठीक है, वो बहुत जरूरी है कि जब हम उनको लगाएं तो वो जर्मिनेट कर जाए। ये ना हो कि हम उनको स्टोर करके रखें और जब उनको लगाएं तो उनकी बायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो जो बैंक के अंदर लगा के रखे होते हैं, जब उनका बायबिलिटी पीरियड खत्म होने वाला होता है तो उनको क्या कर देते हैं, एक बार लगा के जर्मिनेट करवा के फिर फ्रेश सीड इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उनको स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको लगा लेते हैं जब उनका बायबिलिटी पीरियड खत्म होने वाला होता है, तो उनको फिर से क्या करते हैं, सो कर लेते हैं, फिर फ्रेश सीड्स इकट्ठे करते हैं, ऐसे करके उनकी बायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं।
अब हमारे पास क्या है, टेस्ट टू डिटरमिन सीड बायबिलिटी। हमने सीड बायबिलिटी को डिटरमिन करना है, देखना है कि सीड हमारा बायबल है भी कि नहीं है। तो दो टेस्ट है, एक हमारे पास है जर्मिनेशन टेस्ट और एक है टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि तुम सीड को क्या करो, वो लगा के देख लो, अगर वो जर्मिनेट कर गया इसका मतलब वो वायबल है, अगर नहीं करा इसका मतलब वो वायबल नहीं। ठीक है, क्लियर। ये देखो, दिस इज द जर्मिनेशन टेस्ट। उन्होंने एक ट्रे के अंदर उनको लगा के देख लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर के अंदर या ट्रे के अंदर। अगर उन्होंने प्लूमूल रेडिकल निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, वो बायबल है, अगर नहीं निकाला तो बायबल नहीं है। इनमें से जो जो निकालेंगे उनको अलग कर लो, जो जो नहीं निकालेंगे उनको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि उनका तो अब कोई फायदा नहीं। दूसरा हमारे पास है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है बेसिकली क्या है, दिस मेथड वॉज पायनियर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट लेकॉन ड्यूरिंग द मिड 19th। ऑल लिविंग टिश्यूज जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑल द लिविंग टिश्यूज जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, उनके पास कैपेसिटी होती है, उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक कलरलेस केमिकल, कलरलेस केमिकल का नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, उसको रिड्यूस कर देते हैं इनटू अ रेड कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। फॉर्मेशन बीइंग नॉन डिफ्यूजिबल स्टेन्स द लिविंग टिश्यू रेड, दस द लिविंग पार्ट्स ऑफ द बायबल सीड शुड बी स्टेन्ड रेड व्हेन इंक्यूबेटेड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो एक हमारे पास डाई है, डाई का नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। हम सीड्स को इसके अंदर डाल देते हैं, जो जो सीड्स रेस्पिरेशन करेंगे वो CO2 प्रोड्यूस करेंगे, जो CO2 प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, इसकी रिडक्शन कर देगा, इसकी कलरलेस केमिकल की, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, और जो जो सीड लिविंग होएगा वो हो जाएगा रेड, और जो नॉन लिविंग होएगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर रिडक्शन की कैपेसिटी नहीं है। ऑल्दो बेटा ये कभी पूछा नहीं जाता, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, इनके ऊपर टेस्ट किया, ये बिल्कुल वाइट ही पड़ा है टेस्ट के बाद भी, लेकिन ये रेड हो गया, ये पूरे रेड हो गए, इसका मतलब ये तो बायबल है। ठीक है, ये दोनों भी बायबल कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कलर थोड़ा कंपेरेटिवली कम आया है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी बायबल नहीं है पहले दो। ओके, तो दिस इज द टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट जो है, ये क्या करेगा, बेसिकली जब रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, CO2 इस केमिकल को रिड्यूस करके क्या बना देगी, फॉर्मेशन। ठीक है, केमिकल जो है वो पहले कलरलेस था, लेकिन रिडक्शन के बाद इसका कलर रेड हो जाता है, इसलिए ये स्टेन देता है दूसरों को रेड कलर का, सीड्स को। ठीक है जी, तो उसके बाद हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, मतलब डिस्पर्स करने के बाद जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है कितनी देर तक वो अलाइव रहते हैं, वही बायबिलिटी की बात कर रहा है। ये पीरियड भी वेरी करता है, कई स्पीसीज के अंदर द सीड्स लूज बायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स टू सेवरल इयर्स इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। कईयों के अंदर तो थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाती है, कईयों के अंदर थोड़े महीने लग जाते हैं, लेकिन कईयों के अंदर तो सालों साल चलती है बायबिलिटी और कभी खत्म होने का नाम ही नहीं। तो कई हमारे पास ऐसे सीड्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो हैं वो जिंदा रहे। तो दो याद करने हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी इनके नेम्स दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपिन, साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्कटिकस, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये सीड जर्मिनेट कर गया और इसने फूल भी दे दिए आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। 10,000 साल ये इनएक्टिव स्टेट में रहा, डॉर्मेंट स्टेट में रहा, जैसे हमारे घर में किचन के अंदर चने राजमा हमने रखे हुए हैं, वो डॉर्मेंट स्टेट में है। 10,000 साल के बाद ये एक्सकेवेशन खुदाई के टाइम जो था तब मिला, जब मिला इसको लगा के देखा, प्रॉपर कंडीशंस दी, फिर भी ये जर्मिनेट कर गया और इसने फूल भी दे दिया। इसका मतलब इसकी जो बायबिलिटी पीरियड है ये 10,000 साल तो है ही। अब पता नहीं इसके बाद भी अगर हम ना लगाते तो पता नहीं कितनी देर ये और वायबल रह जाता। तो अभी तक इसका जो पीरियड एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है दैट इज 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। अभी हमें एक रीसेंट रिकॉर्ड मिला है किसका, 2,000 ईयर ओल्ड बायबल सीड का, दैट इज ऑफ डेट पाम,
फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी. डेड सी के पास एक किंग हेरोड्स की प्लेस है, वहां पे एक्सकेवेशन चल रही थी. ठीक है, तो वहां पे एक हमें 2000 साल पुराना सीड मिला. ठीक है, वो सीड जो है दैट इज ऑफ डेट पाम, साइंटिफिक नेम है उसका फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा. ठीक है, और जब इसको लगाया गया तो ये सीड भी क्या कर गया, जर्मिनेट. तो ये दो सीड्स याद रखने हैं. सबसे पुराना है 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद, दैट इज ल्यूपिनस आर्कटिकस. कहां से मिला था, आर्कटिक टुंड्रा से. और एक हमारे पास है रीसेंट जो मिला है 2000 साल पुराना है, दैट इज द डेट पाम, दैट इज फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा. दैट इज कहां से मिला है, डेड सी से, किंग हेरोड्स की प्लेस के पास. ओके, अब सीड अपनी बायबिलिटी लूज क्यों कर देते, कोई भी सीड अपनी बायबिलिटी लूज क्यों कर देगा. पहली चीज तो बाहर वेदर कंडीशंस ही बहुत खराब है. उसने जर्मिनेट करने की कोशिश भी की थी लेकिन बाहर वेदर कंडीशंस ही बहुत खराब थी. जैसे ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, जैसे ड्रॉट, बिल्कुल सोखा पड़ा हुआ है, पानी है ही नहीं, एक्सेस वाटर, पानी जरूरत से ज्यादा है. देन एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड पेस्टिसाइड इंजरी ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन. या तो कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई, या फिर कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से इंजरी हो गई. एनवायरमेंटल कंडीशंस आफ्टर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, दैट इज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग एंड स्टोरेज. कई बार हम जब उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद एनवायरमेंटल कंडीशंस देते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे या क्लीनिंग के टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पे, उन कंडीशंस की वजह से वो क्या हो सकता है, जो है अपनी बायबिलिटी लूज कर सकता है. ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास सीड खत्म हो गया. देखो सीड डोरमेंसी का क्या मतलब होता है, डोरमेंसी का मतलब होता है कि सीड हमारा जो है वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ा है. उसको सारा कुछ ठीक ठाक मिलेगा जब, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा. ठीक है, तो उसको कहते हैं डोरमेंट स्टेट. डोरमेंट होता है इनएक्टिव, स्लीपिंग स्टेट में पड़ा. ठीक, जैसे हमने अपनी किचन में राजमा चने रखे हुए हैं, ठीक है, वो अभी जर्मिनेट नहीं कर पाए, लेकिन जब हम उनको पानी में डाल देंगे, जब उनको पानी दे देंगे, पानी में से पानी जब होएगा तो सीड को रप्चर करेगा, उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो अगली चीज जो हम करते हैं दैट इज ऑफ फ्रूट. तो फ्रूट की बात करते हैं हम, फ्रूट कैसा है, क्या चीज है फ्रूट. अब जो ओवरी है वो जब पक जाएगी तो क्या बना के देगी हमें, फ्रूट बना के देगी. ठीक है, तो जो ओवरी पक जाएगी, राइपन्ड ओवरी, उसको हम नाम देते हैं फ्रूट का. तो फ्रूट जो है उसका बाहर का कवर जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, उसको हम पेरिकार्प का नाम देते हैं. तो वैसे तो देखो एनसीईआरटी में फ्रूट थोड़ा सा है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम्हारा प्लस वन का भी रिवाइज हो जाएगा. पहली चीज देखो, फ्रूट जो है हमारे पास तीन तरह का. एक है ट्रू फ्रूट, जिसको हम कहते हैं यूकार्पिक. देन हमारे पास है फॉल्स फ्रूट, सिडोकार्पिक. देन हमारे पास है दैट इज द सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक. कार्पिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए दैट मींस फ्रूट. ट्रू फ्रूट, जिस फ्रूट को बनाने में सिर्फ और सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करेगी, फ्लावर का कोई भी और पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट. जैसे मैंगो हमारे पास ट्रू. अगर ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई और पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, दैट फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. जैसे फॉर एग्जांपल गुआवा की बात करें हम, गुआवा का जो बाहर का कवर होता है, ठीक है, वो थैलेमस प्लस किसका बना होता है, दैट इज द उसको एपिकार्प का बना होता है, तो उसको एक्सोकार्प का नाम देते हैं. तो थैलेमस पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसीलिए वो बीच में आ गया. और ऊपर उसके देखना तुम, अमरूद को पकड़ के देखो, उसके ऊपर तुम्हें बाल बाल से दिखाई देते हैं, दे आर द रिमेन्स ऑफ सेपल्स. तो सारी चीजें पड़ी हैं, इसलिए उसको हम क्या नाम देते हैं, सिडोकार्पिक फ्रूट का. एग्जाम्पल इज गुआवा.
देन सीडलेस फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, उसमें सीड्स नहीं बनते तो सीडलेस होएगा. एग्जाम्पल इज बनाना. तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, बनाना. ठीक है, देन हमारे पास अगला जो आता है दैट इज द, अब देखना हमने क्या है कि जो फ्रूट है, फ्रूट का बाहर का कवर जो होता है उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्प का. इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. अब देखना ये है कि पेरिकार्प उसका जो है वो कैसा है. पहली चीज तो देखो, अगर जो फ्रूट बना रहा है उसमें सिंगल वो है, क्या कहते हैं, फ्लावर में पिस्टल एक ही है तो सिंपल फ्रूट होएगा. अगर बहुत सारी हैं तो एग्रीगेट फ्रूट होएगा. लेकिन अगर बना रही है इनफ्लोरेसेंस तो उस फ्रूट को हम नाम देते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट का. दैट फ्रूट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फ्रूट. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास सिंपल फ्रूट हो गया, एग्रीगेट हो गया और हो गया कॉम्पोजिट. ठीक है, सिंगल पीस कार्पल वाली फ्लावर से बनेगा, बहुत सारे कार्पल वाले से बनेगा, इनफ्लोरेसेंस से बनेगा. तो पहले मैं तुम्हें सिंपल बताती हूँ, सिंपल फ्रूट कौन सा. सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट को देखो ध्यान से. अब डिपेंड करता है उसका पेरिकार्प कैसा है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन तरह का है. अगर पेरिकार्प ड्राई होएगा तो ड्राई फ्रूट, अगर पेरिकार्प फ्लेशी होएगा तो उसको कहते हैं सकुलेंट फ्रूट. दो ही टाइप्स है इसमें. एक हमारे पास है कि अगर फ्रूट पेरिकार्प ड्राई होएगा तो ड्राई फ्रूट, अगर पेरिकार्प फ्लैशी होएगा तो उसको हम नाम देते हैं सकुलेंट फ्रूट. अब ड्राई फ्रूट देखो, इसमें हम आगे तीन करें. पहले एकेनियल या फिर एकेन का नाम ले लो, एकेनियल फ्रूट, कैप्सुलर, देन कम्स द शाइजोकार्पिक. तीन तरह का फ्रूट है. ठीक है, एकेनियल, कैप्सुलर, शाइजोकार्पिक. एकिनियल सिंगल सीडेड, इनडेहिसेंट, अपने आप कभी अपने सीड को एक्सपोज नहीं करेगा. ठीक है, और पेरिकार्प जो होएगा ड्राई. एकिनियल सिंगल सीडेड होएगा, इनडेहिसेंट, कभी भी खुद अपने सीड को एक्सपोज नहीं करेगा, और उसका पेरिकार्प ड्राई. एग्जांपल याद करो लीची, लीची को देखो, लीची का जो फ्रूट है बाहर का छिलका ड्राई, पेरिकार्प हो गया ड्राई, अंदर सिंगल सीड. जब तक तुम लीची का वाइट पोर्शन उतार के नहीं खाते तब तक लीची का सीड तुम्हारे हाथ में नहीं आता. अपने आप लीची अपने सीड को कभी भी एक्सपोज नहीं करेगी, ऐसे सीड को कहते हैं इनडेहिसेंट. एग्जांपल है लीची. लीची में एक चीज और याद रखनी है, लीची का जो पोर्शन हम खाते हैं ये उसके ओव्यूल की थर्ड एडिशनल इंटेगुमेंट है, और इसको हम नाम देते हैं एरिल का. इट इज कॉल्ड एज एरिल. ओके, देन आ गया हमारे पास कैप्सुलर. कैप्सुलर मेनी सीडेड होएगा, बहुत सारे सीड्स होंगे इसमें. डेहिसेंट और पेरिकार्प जो होएगा वो ड्राई. एग्जांपल याद करो मटर की, पी, हम मार्केट से हम जो लेके आते हैं वो तो कच्चे मटर लेके आते हैं. कई बार एक आधा मटर फ्रिज में पड़ा रहता है या फिर इधर उधर गिर जाता है, जहाँ उसी उसमें रह जाता है जिसमें हम सब्जियां लेके आते हैं. तो जब तुम नेक्स्ट टाइम लेने जाते हो तो उसको निकाल के देखते हो तो क्या देखते हो, उसका छिलका बहुत सूखा पड़ा होता है. तो पेरिकार्प ड्राई, मैच्योर का, अंदर से बहुत सारे सीड्स. ठीक है, और देखना कई बार सीड्स मोटे मोटे हो जाते हैं जब मटर पक जाता है, और एक तरफ से अपने आप वो ऐसे फट जाता है, मतलब वो अपने सीड्स को खुद एक्सपोज कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज द डेहिसेंट, मेनी सीडेड, और क्या है तुम्हारे पास, पेरिकार्प उसका ड्राई है. तो एग्जांपल इसके पास हमारी पास किसकी है, पी, मटर. ओके, देन कम्स द शाइजोकार्पिक. शाइजोकार्पिक जो होता है वो मेनी सीडेड होता है, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो ये पार्ट्स में खुलता है.
और एक पार्ट के अंदर एक ही सीड प्रेजेंट होगा। शाइजोकार्पिक जो है वैसे मेनी सीडेड है, पेरिकार्प ड्राई है, बट जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें एक पार्ट में से सिंगल सीड निकलेगा। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं शाइजोकार्पिक फ्रूट। ओपन अप इनटू सिंगल सीडेड पार्ट। मूंगफली को याद करो, ग्राउंडनट, पेरिकार्प ड्राई, मूंगफली को याद करो, पेरिकार्प उसका ड्राई, मेनी सीडेड, लेकिन जब एक पार्ट खोलेंगे तो उसमें एक सीड, अगला पार्ट खोलोगे तो उसमें एक सीड। फिर तुम याद करो इमली को, इमली देखो मेनी सीडेड, ठीक है, पेरिकार्प ड्राई, उसमें से एक पार्ट को खोलोगे एक सीड, अगले पार्ट को खोलोगे तो अगला सीड। ऐसे फ्रूट को हम नाम देते हैं किसका, शाइजोकार्पिक फ्रूट का। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें सिंपल फ्रूट कराया, सिंपल फ्रूट जो ऐसे फ्लावर से बनेगा जिसमें एक कार्पल होएगा। ठीक है, तो देखते हैं पेरिकार्प कैसा है। पेरिकार्प के अंदर अगर पेरिकार्प उसका ड्राई है तो ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट में हमने आगे तीन किए, एकिनियल, कैप्सुलर, शाइजोकार्पिक। एकिनियल सिंगल सीडेड, इनडेहिसेंट एंड पेरिकार्प ड्राई, एग्जाम्पल इज लीची। एरिल तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, दैट इज द थर्ड एडिशनल इंटेगुमेंट, दैट इज द एडिबल पार्ट ऑफ द लीची। कैप्सुलर, मेनी सीडेड, डेहिसेंट, अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा टू रिलीज द सीड्स, एंड पेरिकार्प होएगा बिल्कुल ड्राई। एग्जाम्पल इसकी है हमारे पास पी। देन ग्राउंडनट, सॉरी शाइजोकार्पिक, शाइजोकार्पिक में मेनी सीडेड होएगा, पेरिकार्प ड्राई होएगा, और जब ये ओपन अप होएगा तो इट विल ओपन अप इनटू सिंगल सीडेड पार्ट्स। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास है ग्राउंडनट, एंड दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज द क्या कहते हैं ये इमली, टैमरिंड। ठीक है, तो ये हमारा जो है दैट इज द ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब हम फ्लैशी फ्रूट की बात करते हैं। पहली चीज, इसको मैं साफ कर दूं, अब जो फ्लैशी फ्रूट है उसमें पेरिकार्प जो है वो क्या होएगा, सकुलेंट, फ्लैशी सा। देखो तुम जो है कभी ऑरेंज को देखो, ऑरेंज का छिलका देखो, है ना, बचपन में हम क्या करते, तुम तो अभी खैर अपनी छोटे उसमें ही हो, तुम तो अभी भी करते होगे, जब हम खाते हैं तो उसको पकड़ के किसी की आंख के पास करके ऐसे दबा देते थे, है ना, तो उसमें से वो सिक्रीशन सी निकलती थी जिससे आंखों में थोड़ी देर के लिए इरिटेशन होती थी। तो उसका देखो छिलका देखो पकड़ के कैसे बिल्कुल ऐसे सकुलेंट पड़ा है, सॉफ्ट सा, है ना, उसमें जैसे म्यूसिलेज या वाटर स्टोर होता है, ऐसे इस फ्रूट को हम नाम देते हैं सकुलेंट फ्रूट का। तो जो सकुलेंट फ्रूट है इसमें बेसिकली पेरिकार्प नहीं होता, इसमें पेरिकार्प के तीन हिस्से होते हैं, एक्सोकार्प, एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। सबसे बाहर वाला एक्सोकार्प, एक्सो नहीं एपी, एपिकार्प, एपिकार्प, मिडल वाला मीजोकार्प एंड अंदर वाला एंडोकार्प। एक्सोकार्प क्या होता है, अगर एपी के साथ थैलेमस फ्यूज कर गया, एपी के साथ थैलेमस फ्यूज कर गया तो फ्रूट बनेगा फॉल्स, और उसको नाम देंगे हम एक्सोकार्प। समझ आया, ठीक है, क्लियर। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, पहली चीज तुमने देखनी है कि पेरिकार्प जो है इसकी तीन लेयर्स होंगी, एपी बाहर वाली, मीजो मिडल वाली एंड एंडोकार्प। तो तीन तरह के फ्रूट्स इसमें हमने डिस्कस करने हैं, कौन कौन से, पहले हमारे पास आती हैं बेरीज, देन हमारे पास आते हैं ड्रूप्स, देन आते हैं पोम्स। बेरीज, ड्रूप्स एंड पोम्स। बेरीज, बेरीज ऐसी होएंगी जिसमें सारी लेयर्स फ्लैशी होएंगी, स्टोनी कोई भी नहीं होएगा। All the three layers मतलब epi, meso and endo सारी की सारी fleshy होएंगी, none is stony, stony कोई भी नहीं होएगा। Example इसकी ले लो brinjal, बैंगन, बाहर का छिलका epicarp, soft, अंदर वाला pulp mesocarp, seeds वाला portion endocarp, सारे का सारा soft है, कोई भी hard portion नहीं है, तो इसको नाम देंगे हम berry का। Tomato, grapes, सारे ऐसे ही हैं तो इनको हम नाम देते हैं बेरीज का। देन कम्स द ड्रूप्स, ड्रूप्स के अंदर क्या होएगा, एपी और मीजो जो होएंगे वो होएंगे फ्लैशी, और जो एंडो होएगा वो क्या होएगा, स्टोनी।
एंडोकार्प इसमें स्टोनी होता है तो इसको हम नाम देते हैं ड्रूप का। देखो मैंगो बाहर का छिलका एपी, पल्प जो खा लेते हैं हम मीजो, और जो उसकी गुठली है एंडो। और इन सब के अंदर ड्रूप्स के अंदर एक सीड निकलेगा जब तुम एंडोकार्प को खोलोगे, तो उसकी जो मैंगो की तुम खोलते हो एंडोकार्प गुठली को तो सिंगल सीड निकलेगा उसमें से, ठीक है। देन कोकोनट बाहर का कवर एपी, हमारे पास वो कवर उतर के आता है, हमारे पास बाल बाल से आते हैं, वो उसका फाइब्रस मीजोकार्प होता है। बेटा लास्ट वाला 1 मिनट बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहां तक तुम रिवाइज करके रखना, ठीक है। तो मैं तुम्हें